बहुत सख्त सर्दी है लेकिन फिर भी हम ट्रैवल करेंगे, पैदल जा रहे हैं बल्कि ओल्ड बाकू की तरफ, और राजा जी हमें लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें रास्तों का नहीं पता, पहले भी हमने रास्ता गलत कर दिया था। तो आइए आपको ओल्ड बाकू दिखाते हैं। जो राजा जी मुझे लेके जा रहे हैं ओल्ड बाकू की तरफ, बताइएगा राजा जी इसमें क्या क्या है ओल्ड बाकू में। हबीबी कम टू बाकू, है क्या क्या आप थोड़ा सा बताइए। आप देखिएगा आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही तारीखी चीजें हैं इसके अंदर। ये बाकू का वो उस टाइम का किला है जब राजा जी को हमने पॉज किया था, हम फिर आ गए क्योंकि आपको गेट दिखाना था। जी राजा जी बताइए। ये आप एंट्री ले रहे हैं जी की कार ना। ये आप देख सकते हैं ओल्ड बाकू क्या से क्या बना दिया है। हमारे किले आपने देखे होंगे और इनके किले देखें, इन्होंने यहाँ पे एक पूरा शहर तामीर किया हुआ है। फूड और बार वगैरह सब ऑन है, आप एंजॉय कर सकते हैं इधर। इधर कैफेज हैं, बार्स हैं। ये ओल्ड बाकू है लेकिन यहाँ पे ओल्ड कुछ नहीं है, इन्होंने बहुत मज़ेदार ये जगह बनाई है। ये देखें जी रोड्स को पुरानी बनी हुई है, तो ये डिसिप्लिन लोग हैं और हमारे किले उसी के उसी तरह वीरान पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में तामीर किया है। लाइटिंग तो इन लोगों ने बहुत कमाल की हुई है। ये किले का दूसरा गेट है, ये आप देख सकते हैं। कहाँ बहुत मजे का इंतजाम है। आप देख सकते हैं ये ओल्ड बाकू की दीवारें हैं, एक किले का फ्रंट फेस है और बाकी ये होटल्स तो आपने देख लिए कि इधर बेशुमार बने हुए। आइए आपको मजीद आगे लेके चलते हैं क्या होता है। ये है कदीमी रेस्टोरेंट। स्नो फॉल हो रहा है लेकिन बहुत कम, बहुत लाइट से स्नो फॉल हो रहा है और हम ओल्ड बाकू में घूम रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत से डिफरेंट डिज़ाइन बनते हैं। डिज़ाइन देख रहे हैं कामरान भाई, तस्वीर बनाने के लिए खड़े हो गए इधर। पुरानी तोहफे वगैरह पड़ी हुई हैं, वो उधर भी पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं। आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये है ओल्ड बाकू, इसको ओल्ड बाकू कहा जाता है। ये किले की दीवारें, इसे पत्थर को थ्रो किया जाता था या कोई भारी चीज को थ्रो किया जाता था।
अब ये मोर्चे बने हुए हैं, यहाँ से दुश्मन को भी देखा जाता और जो भी फायरिंग वगैरह या जो भी इनकी तीरंदाज थे वो इधर खड़े होते थे। अभी तक हम किले में घूम रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये साइड पे नए घर बन गए हैं, ये वाले, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बाद में हुई है ना कंस्ट्रक्शन, ये पहले की कंस्ट्रक्शन होती है, गवर्नमेंट उसका थोड़ा। अच्छा, इधर हो गया, हमें यहाँ से घूम के जाना। ये किस का मुझे चश्मा है जी, अलाइगा वाहिद, हम आ गए कब्रिस्तान वाली साइड पे, एक किले से मुंसलिक एक कब्रिस्तान है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुरानी कब्रें हैं। जी जी राय जी, बता रहे हैं आप, ये जो ये सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये सिंबल ऑफ बाकू है, गिस गालासिस का नाम है। यहाँ ये मशहूर है कि एक आशिक लड़की ने अपने महबूब की जुदाई में ऊपर से कूद कर जान दी थी। इसके अंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है बहुत बेहतरीन, और कहने वाले कहते हैं कि ये बहुत तारीखी बिल्डिंग है और संभला बाकू के लिए यही यूज़ है। और इसमें जाया कैसे जा सकता है? इसमें अभी तो बंद हो गया, वो सामने गेट है, वहाँ से आप लेंगे टिकट लेंगे म्यूज़ियम की और अंदर चले जाएंगे, ऊपर तक जा सकते हैं आप ऊपर से, मतलब हमें कल दोबारा आना पड़ेगा सारा कुछ। बहुत शुक्रिया राय जी इस टूर का, थैंक यू सो मच।